बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबानो पहुंची है। छात्रों का वहां पर मार्च हो रहा है। हावड़ा के नबानो में सीएम का दफ्तर है। एक मार्च कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से निकलेगा, दूसरा मार्च की अगर हम बात करें तो हावड़ा से सांतरागाछी से निकलेगा। आप समझिए कि ऐसे में सुरक्षा वहां पर पुख्ता है। टीएमसी इसको लेकर के कह रही है कि जब मामला सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई जांच कर रही है, तो हिंसा यहां पर हो सकती है। ऐसे में आप देखिए कि बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो छात्रों का मार्च है उसको लेकर के। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नबानो पहुँच चुकी है, छात्रों का वहाँ पर मार्च निकलने वाला है और ऐसे में यहीं पर मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है और मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद है। हावड़ा में मुख्यमंत्री दफ्तर तक छात्र मार्च करने वाले हैं। दो मार्च है, एक मार्च हावड़ा के सांतरगाछी से निकलेगा, दूसरे मार्च की अगर हम बात करें तो ये कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से निकलेगा और ऐसे में इन इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया है। हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। आशिका, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको वाटर कैनन नजर आएंगे। पुलिस व्यवस्था जो है वो देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी आपको कोलकाता पुलिस की टीम ही नजर आएगी। साथ ही साथ ये पूरा इलाका जहाँ पर अलग अलग दिशाओं से रैलियां आ सकती हैं, हर दिशा में देखिए पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं और बैरिकेड लगाने की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़े बड़े बांस के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पे नहीं आ सके। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रौनक भी हैं, रौनक न्यूज 18 बांग्ला के रिपोर्टर हैं, वो भी यहाँ पर है। रौनक, ये बैरिकेड तो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप शांत रहते हैं तो हम एक्शन नहीं लेंगे, क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए इधर पे जो बैरिकेड लगा हुआ है प्राथमिक स्तर से, इस बैरिकेड को जब तोड़ देगा उसके बाद ये जो एल्युमिनियम का जो बैरिकेड तैयार किया रखा है वो ब्रिज के ऊपर लगाया जा सकता है, क्योंकि जो नबानो अभियान पिछले बार भी दिखा गया था जो इसको लेकर जो एक अप्रीतिकर जो सिचुएशन क्रिएट होता है, इस चीज को इधर ना होने से पुलिस की तरफ से पुलिस जो फोर्स है, कॉम्बैट फोर्स, एक कोलकाता पुलिस स्पेशल फोर्स है, वो भी इधर पर्याप्त परिमाण में है। बिल्कुल, हमेशा जब भी नबानो अभियान होता है तो ये घोषणा कभी हमने नहीं सुनी है पुलिस की तरफ से कि अगर आप शांत रहेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो तैयारी बता रही है कि पुलिस, क्योंकि नबानो सचिवालय मुख्यालय है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुकी है अपने दफ्तर में, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट धारा 163 होती है, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा सकता, जमायत नहीं हो सकती है, यही कारण है कि पुलिस इसके आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रही। बिल्कुल, तो आशिका हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से वहां पर छावनी में तब्दील किया गया है। आनंद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, इस वक्त आप वहां पर कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर मेरे पीछे पीजी कॉलेज है कुछ दूरी पे, और ये यहाँ से आगे से ये जो हुबली ब्रिज है ये शुरू होता है जो मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस, इसके अलावा जो स्पेशल फोर्स की जो महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, बकायदा जो हेलमेट है वो लेकर यहाँ पर तैनात है पूरी तरह से, और यहाँ पर बैरिकेटिंग भी जो है वो कर दी गई है। मेरे कैमरामैन युगल आपको दिखाएंगे, ये इस तरफ ये जो सामने रास्ता जा रहा है जसप्रीत, ये पीजी कॉलेज की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ से भी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट है प्रदर्शनकारी है वो सीएम कार्यालय तक जाने के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए महिला पुलिस कर्मियों की आप तैनाती देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्पेशल फोर्स की जो महिला कमांडोज हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, और यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है लगातार, ये लकड़ी की बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर की है, तो ये एक तरफ से रोड पूरा बंद कर दिया गया है और कुछ कुछ वाहनों को यहाँ से अभी जाने दिया जा रहा है। और देखिए मेरे सामने यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ की जो रोड आपको दिखा रहा हूँ इस पर अभी आवाजाही चालू है, क्योंकि ये सीएम कार्यालय से जो रास्ता जा रहा है पीजी कॉलेज की तरफ वहाँ पर अभी ट्रैफिक खुला हुआ है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर भी फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, लकड़ी की बैरिकेडिंग है, इसके अलावा लोहे की बैरिकेडिंग है उसको यहाँ पे तैनात किया गया। और देखिए मेरे सामने जसप्रीत, मैं आपको दिखाता हूँ ये हुबली ब्रिज है, जैसे ही ये ब्रिज उतरता है उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यालय आता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जाली की जो बैरिकेडिंग है उसको यहाँ पर एहतियात के तौर पे यहाँ पे लगाया गया है कि अगर प्रदर्शनकारी इस लकड़ी की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यहाँ पर आगे रोक लिया जाएगा। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनके जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, और कई जो पुलिस के वाहन है वो यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार यहाँ पे अपील भी कर रही है कि वो लाठी का प्रयोग ना करें पुलिसकर्मी, और लोगों से भी अपील कर रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें।
बिल्कुल, तो यहाँ पर आनंद पुलिस की तैयारी भी पुख्ता है, आप सभी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बताएं कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज छात्रों के दो बड़े मार्च निकलने वाले हैं। छात्रों ने इस प्रोटेस्ट को मतदानों अभियान का नाम दिया है। एक मार्च हावड़ा के संतरागाछी से शुरू होगा, दूसरा मार्च कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगा। हावड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर तक यह जाएगा। छात्र संगठनों का कहना यह है कि इस कार्यक्रम से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस ने छात्रों को इस प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी है। मार्च के रास्ते पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। 19 जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मार्च के रास्तों में भारी पुलिस बल तैनात है। जो ये छात्रों का मार्च है, जो रूट है, वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर देखिए जो नंबानों तक जाएगा वो सांतरागाछी बस स्टैंड से शुरू होगा, बीच में कोना एक्सप्रेस है, वहां से होते हुए ये मुख्यमंत्री दफ्तर तक जाएगा। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच भी चुकी हैं अपने दफ्तर में। अब रूट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर के मुख्यमंत्री दफ्तर तक जाएगा। कॉलेज स्क्वायर से जाएगा ईडन गार्डन, उसके बाद जाएगा ये हेस्टिंग्स मोड़ और फिर जाएगा ये मुख्यमंत्री दफ्तर। हालांकि वहां पर अभी तक इजाजत नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट को और पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। टीएमसी बार बार ये कह रही है कि ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है इससे हिंसा हो सकती है, ऐसे में छात्रों को ये नहीं करना चाहिए। हालांकि छात्र संगठन कह रहे हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने खुले तौर पर इसको समर्थन दे दिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संतरागाछी से आप देखिए पुलिस बल तैनात है, पुलिस की निगरानी यहाँ पर किस तरीके से है ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशिका, टीएमसी को इस पर एतराज है, छात्र कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं है ये, बीजेपी ने समर्थन दे दिया है, इसको हम किस तरीके से देखें और क्या ये मार्च रुका, क्योंकि अभी तक परमिशन तो नहीं मिली है। देखिए पुलिस ने कल जो अपना वर्जन दिया पीसी की, उसमें ये बताया कि परमिशन के लिए तो आवेदन भी उनके पास नहीं आया है। अब बात करें जो आयोजक करता है, वो पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नाम से आयोजन किया जा रहा है इस बैनर के तले, लेकिन जो आयोजक हैं उन पर टीएमसी आरोप लगा रही है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। हालांकि जो आयोजक है उन्होंने मान भी लिया है कि हम भाजपा करते जरूर हैं, लेकिन ये आंदोलन छात्र समाज के बैनर तले ही कर रहे हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसे लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। टीएमसी आरोप लगा चुकी है कि हिंसा की संभावना है, आशंका है। पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि उनके पास भी इंटेल रिपोर्ट है कि कुछ हिंसा की घटना हो सकती है। ठीक है आशिका, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम बता दें, शुभेंदु अधिकारी के दावे पर बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया है और कहा है कि छात्रों के बारे में एक